अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो दोस्तों हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हमारे आज की जो वीडियो है वो आयत करीमा के बारे में कि आयत करीमा को किस तरह से रीड करें। यानी एक वीडियो में आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा हो कि एक वीडियो में आयत करीमा को 100 बार या 200 बार या 500 बार या 1000 बार रिपीट किया गया हो, वो किस तरह से बनाए और वो भी कलर टेक्स्ट के साथ और उसके साथ तर्जुमा भी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दो तीन ऐप दरकार है। सबसे पहले तो कैन मास्टर है, एक यह हो गया, दूसरा अलकुरान फ्री ऐप, तीसरा वोलोगो। ये हो गया, बस हमारा काम ख़त्म। सबसे पहले काम हमने क्या करना, ऑडियो को रिकॉर्ड करना है। अगर आपके पास पहले से ही ऑडियो रिकॉर्डेड हो तो वो तो बहुत बेहतर है। अगर आप पहले से रिकॉर्डेड नहीं हो तो आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। किस तरह से, वोलोगो पर आना है, ठीक है दोस्तों। ये जब इंटरफेरेंस आ जाएगी तो इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पर डिसमिस, यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर कर देना है ऑडियो। मैं ज़्यादातर वीडियो में रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं वीडियो को ओपन कर देता हूँ, बैक वाला कैमरा ओपन कर देता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से वोकल मॉनिटर फिलहाल ऑफ कर देते हैं ताकि आप लोग आवाज़ सही से सुन सकें। और दोस्तों मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि टाइम कम ले, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें हमने ऑडियो रिकॉर्ड करने, ये सेटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, उससे पहले में, तो आप लोगों ने उसी के मुताबिक सेटिंग करनी है। अगर किसी को नहीं पता तो चैनल में जाकर आप ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें मौजूद है हर तरह से एडिटिंग की। या इस तरह तरीके से करना है या किसी और तरीके से। दोस्तों आवाज़ को खूबसूरत बनाने के लिए वोकल मॉनिटर जो है इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि इससे आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी तो ये एक इको बन जाती है, तो आपकी आवाज़ भी उसी से खूबसूरत नज़र आने लगती है फिर। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन कर देते हैं और रिकॉर्डिंग कर देते हैं। दोस्तों हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये सेफ हो रही है, हमारी रिकॉर्डिंग सेफ होती है। तो दोस्तों इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सिंपल और सारे से रिकॉर्डिंग। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको सेव कर देना, डायरेक्ट सेव कर दे, इस एडिटिंग की जरूरत मजीद नहीं है। अब क्या करना है, हमने अल कुरान ये फ्री ऐप या कुरान वन या वर्ड बाय वर्ड, तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ कॉपी करता हूँ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानकिन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, ये आयत सूरह मेरे ख्याल से अंबिया में है, आयत नंबर 86 मेरे ख्याल से था, 86 ये वाला आयत। क्या करना है, यहाँ पर आना है, कॉपी आया और कॉपी विद ट्रांसलेशन कम, हमारा काम ख़त्म। इसको मिनिमाइज़ कर देना है और कैन मास्टर पर आना है। अब मजीद एडिटिंग यहाँ पर होगी, क्या करना है, यहाँ पर आना है 16:9 और यहाँ पर आना है कोई सा भी वाइट बैकग्राउंड, सॉरी वाइट बैकग्राउंड हमने इनपुट कर देना है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, इसको इसके अंदाजे के मुताबिक बढ़ा देना है। और क्या करना है, हमने यहाँ पर ऑडियो के इनपुट करनी है, एक्सपोर्ट नहीं, यहाँ पर मूवी में आना है, यहाँ पर ये ऑडियो है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है और ऑडियो वीडियो को डिलीट कर देना है। ये कितने सेकंड की है, तकरीबन 26 सेकंड की है। यहाँ पर इसके साथ बिस्मिल्लाह भी है, तो क्या करना है दोस्तों, इसके साथ इसको थोड़ा सा प्ले करके इसको सुन लेते हैं कि ऑडियो वाकई बेहतरीन आई है कि नहीं। بسم الله الرحمن الرحيم
है दोस्तों, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसको फिलहाल काट लेते हैं ताकि वीडियो छोटी बन जाए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोगों ने काटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको भी क्रॉप कर दे, तकरीबन 18 सेकंड की हो गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें कोई सा भी बॉर्डर इनपुट करना है। यहाँ पर जाना है और जो बॉर्डर है ये वाला मैं इनपुट कर देता हूँ। इसको स्प्लिट स्क्रीन पर आना है, इसको फुल कर देना है, क्रोमा की यूज़ कर देना है दोस्तों। ग्रीन स्क्रीन बॉर्डर कैसे बनाना है वो भी मैंने वीडियो में बताया, पिछले ऐसे एक दो वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लें। ठीक है दोस्तों, अब इसको मुकम्मल कर दे। अब क्या करना है, यहाँ पर आयत को आप लोगों ने इनपुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला सब लिखाई को मिटा देना है और नीचे वाला आखिरी जो है ये आप लोगों ने ये वाला रह देना है। यहाँ पर इसको ब्लैक कलर दे दिया, चलो ये दे देता हूँ। इसको जो है बोल्ड दे दे, यहाँ पर इसको ऊपर की जानिब रख दे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कर दे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक काम ख़त्म। अब क्या करना है, हमें अरबिक टेक्स्ट को इनपुट कर देना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पर फिर से आना है, लेयर पर टेक्स्ट पर आना है, यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देना है, सबसे ऊपर की जानिब आना है। यहाँ पर जहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन स्टार्ट होता है वहाँ पर आना है, बाकी सब हरूफ को मिटा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आना है इसी तरह से वर्ड बाय वर्ड जो नीचे ट्रांसलेशन है ये भी फुल रिमूव कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा काम, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, इसको उर्दू सॉरी अरबिक फॉन्ट देना है, यहाँ पर इसको ब्लैक कलर देना है, फिलहाल ब्लैक कर दे, बाद में इसकी कलर ग्रेडिंग होगी। तो यहाँ पर इसको इन्नी कुन तो इन्नी के इन्नी तक यहाँ छोड़ देना है, और यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें इसको रिमूव कर देना है यहाँ से इसके, ये ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में आना है, इसको थोड़ा सा लाइन मार्जिन जो है वो कम कर देना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी सेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हमने क्या करना है, इनपुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आना है, पेस्ट कर देना है, और यहाँ से लेकर ऊपर की जानब सब लिखाई जो है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमने रिमूव कर दिया, देयर इज नो नोट फॉर शेख एक्सेप्ट अल्लाह। दोस्तों ये ट्रांसलेशन डिफरेंट है, हो सकता है आप लोगों के पास ट्रांसलेशन हो किसी और इमाम साहब का हो, मेरे पास जो ट्रांसलेशन है ये एक और का इमाम साहब है। यहाँ से क्या करना है, इंडीड यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा हो गया। अब इसकी मजीद एडिटिंग करेंगे हम। इस ला इलाहा इल्लल्लाह तो सुभान कि इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, इसको हमने डुप्लीकेट कर देना है, एक यहाँ से, दो यहाँ से, तीन यहाँ से, चार कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर ला इलाहा इसको सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर देना है, ला इलाहा को इसके ऊपर रख देना है। ठीक है दोस्तों, अब इल्ला अंता इसको भी रिमूव कर देना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, या सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन इसको भी रिमूव कर देना है, इल्ला अंता इस पर रख देना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस पर रख देना है, और आखिर में क्या करना है, इसको ये वाला कलर देना है, फॉर एग्जांपल इसको रेड वाला कलर देना है फॉर एग्जांपल, और इसको भी अलग अलग कलर, सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, इन तीनों को अलग अलग कलर देना है। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके इसको कलर देकर वापस आता हूँ ताकि वीडियो छोटी बन जाए, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो जो है, हमने इसको खूब एडिट कर ली, यहाँ पर सबको अलग अलग कलर दे दिया और इसको एडजस्ट भी कर ली। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमारा मेन जो टॉपिक है वह यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इसको क्या करना है, कैप्चर एंड एड एज ए क्लिप या कैप्चर एंड सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, और ऑडियो ऑडियो को जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ पर
ये तीनों ऑप्शन ऑडियो के लिए ओपन कर देनी है, यानी डकिंग लूप हो गया, लूप टू एंड। अब दोस्तों आपकी मर्जी है कि कितनी लंबी वीडियो बनाना चाहते हो। तकरीबन हमारे पास ये मैंने 18 मिनट की वीडियो, इसको सिंपल सा ये पिक्चर है, मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब इस आपकी मर्ज़ी है, अब इस पिक्चर को आप जितना बढ़ाओगे ऑडियो भी उतनी बढ़ेगी, और जितना कम करोगे ऑडियो भी उसके साथ कम होती रहेगी। ये इसी ऑप्शन के लूप की वजह से, लूप टू एंड, यानी जितनी पिक्चर होगी उतनी ही लूप होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये है फॉर एग्जांपल हमारी पहली वीडियो जो है वो 18 सेकंड की है। ठीक है दोस्तों, यह 18 सेकंड की है, तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 18 मिनट की वीडियो बनाई, तो यहाँ पर 100 दफ़ा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी मिनल ज़ालिम यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब उसको क्या करना है, सिंपल सा इस तरह कर ले, इसमें अपना नाम वगैरह भी इनपुट कर ले। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद सबको अपने अपने कलर देना है अपने माजी के मुताबिक, और सिंपल सा यही एडिट कर ले। और अब क्या करना है, इस बॉर्डर को भी अगर आप थोड़ा सा चेंज वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट या नॉर्मली जिस तरह भी रखना चाहते हो तो वो आप लोग रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी वीडियो थी, और हमारी जो वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। दोस्तों अगर आप इसको एक घंटा भी बढ़ाना चाहते हो तो वो आयत जो है वो दोबारा रिपीट खुद बहुत हो जाएगी, यानी इस तरह से। अब सुन लेते हैं थोड़ा सा, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी सिंपल सी वीडियो। अब क्या करना है, शेयर पर आना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है, तकरीबन 588 MB की वीडियो आएगी। जितनी बड़ी वीडियो उतनी ही बड़ी उतना ही ज़्यादा स्पेस। यहाँ से दोस्तों आप इसकी बाइट रेट जो कलर है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, या रेजोल्यूशन यानी HD फुल HD, यहाँ से फुल HD होगा लेकिन ये 5 GB से ज़्यादा स्पेस लगेगा इसका, तो इसको सबसे लो पर कर देना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से वीडियो बनेगी, यहाँ से इसको प्ले कर दें। ला इलाहा अंतु मिनज़्ज़ालिमीन इन्नी कुंतु इलाहा। ठीक है दोस्तों, पहले से लेकर आखिर तक यही आयत दोहराती रहेगी, तकरीबन 18 मिनट की आयतें हैं। तो दोस्तों इस तरह आप कोई भी वीडियो बना सकते हो, ये आयत हो गई, यहाँ से पहला कलमा, दूसरा कलमा या तीसरा कलमा या कोई भी सूरत जो हो, 1000 बार, 2000 बार या 1000 बार, आप इसी तरह इसी अंदाज से इसको बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सिंपल और सारे सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।